22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपने शहर कागजी मोहल्ला के दलदली ये मोहल्ले में है और सभी हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग और हमारे भाई बंधु, हमारे युवा और सभी यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं और हमारी बहनें हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, माता हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। खासकर सुबह का वक्त है, हमारे बहुत सारे व्यवसायी भाइयों हैं जिन्हें मैं तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। हमारे जो व्यवसायी भाई हैं, उन लोगों के बारे में तनिक भी हमारे मोदी जी ने नहीं सोची कि अचानक से नोटबंदी कर दी, अचानक से जीएसटी ला दिया। अभी नोटबंदी के दर्द से सभी हमारे जिले के लोग, हमारे देश के लोग उभर भी नहीं पाए थे कि जीएसटी आ गया। आप बताएं कि हमारे भाई बंधु जो अपनी पूंजी को कितनी मेहनत से सजो कर जमा करते हैं और उसके बाद और कैसे उसको बैंक में जमा किए, कैसे निकालें, कैसे पूंजी को संयुक्त रूप से पूरी करने की कोशिश की है, अपनी गुजारा चलाने की कोशिश की है, उसी में आ गई जीएसटी की मार। अब वो जो भी फायदा कमाएंगे उसकी सारी हिसाब किताब देते देते सभी हमारी व्यवसायी भाइयों की कमर टूट गई है। तो मैं सभी भाइयों और बंधु से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज सहयोग करें राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन को। मैं आपके शहर की बेटी हूँ, बहन हूँ, मैं आपके बीच आई हूँ। मैं आने वाले दिन में देश के चौकीदार बदलते हैं तो मैं आप सबको सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगी। जो भी आए दिन आप लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, चाहे कोई जबरदस्ती आप लोगों से कोई किसी तरह की जोर जबरदस्ती करता है, उसके लिए स्वतः अभी तक प्रशासन आपका सहयोग नहीं करती है। मेरे ख्याल से अगर हम लोग बिहार के मुखिया को बदलेंगे तो जरूर आप लोग स्वावलंबित होकर, खुशहाल होकर व्यवसाय करेंगे और मेरी सहयोग हमेशा रहेगी। और सभी यहाँ पर जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो एजुकेशन में हैं, मैं सभी को आने वाले दिन में पूर्णतः मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी बढ़िया उद्योग धंधे आए, जैसे हमारे शहर की बेरोजगारी दूर हो, हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई में व्यवस्थाएं अच्छी हो, हमारी महिलाओं की मान सम्मान हो और हमारी बच्चियों की मुफ्त शिक्षा हो। ये मेरा सबसे पहला प्रावधान होगा। मुझे सहयोग की उम्मीद है कि मुझे हर धर्म जाति से ऊपर उठकर मुझे सभी भाई बंधु सहयोग करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी सहयोग के साथ और पूर्णतः मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे हर तबके से सहयोग मिल रहा है। अगर जाति धर्म के भावनाओं में बहने वाले मेरे भाइयों और बंधुओं, तो हमारा देश नहीं बचेगा। अगर देश को बचाना है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर प्लीज देश को बचाएं, आगे बढ़े और खुलकर सभी हम लोगों को सहयोग करें, ताकि मैं आपकी आवाज बनकर, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं सिवान जिला के लिए मैं अपनी तन मन धन सब अर्पण कर दूं सेवा भाव में और मैं अपनी सिवान जिला को उस ऊंचाई पर ले जाऊं, जैसे कोनूर होता है चमकता हुआ, उसी तरह मैं सिवान को चमकाना चाहती हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग जोर से बोले, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।